बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब नाउ सिटी बॉलीवुड यूट्यूब चैनल। डेंजरस के प्रमोशंस के लिए कोलकाता पहुंची डेंजरस की टीम और इस वक्त मेरे साथ है दी हॉट एंड सेक्सी दी बॉन्ग गर्ल नैना गांगुली। वेलकम टू सिटी बॉलीवुड नैना। थैंक यू सो मच। और सफर कैसा रहा? और मतलब यहाँ तुम काम कर चुकी हो चरित्रहीन में और वो भी OTT रही तुम्हारी और वहाँ राम गोपाल वर्मा जी के साथ और यहाँ पे काफी स्टीमी सीन्स, सफर कैसा रहा? एक्चुअली मेरा सफ़र ही एक्चुअली RGV सर से स्टार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ वंगा वेटी, डी कंपनी, ब्यूटीफुल, कड़प्पा। सो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट उनके साथ मैं काम कर रही हूँ तो डेंजरस सब्जेक्ट में डेंजरस एक्सपीरियंस है। मैं मर्दों को ब्लेम नहीं करती कि वो सब तुम्हारे साथ सोना चाहते हैं। कितना खतरनाक था वो एक्सपीरियंस जब लिप लॉक के सीन्स कर रहे थे तुम? एक्चुअली इंटीमेट सीन सबको पसंद आ रहा है, आई थिंक सो, बिकॉज इसमें हम लोग ने क्लाइमैक्स सीन किया है, फाइटिंग किया है, उसके बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा है। बट ओके, इंटीमेट सीन थोड़ा सा टफ जॉब था बिकॉज मैंने हीरो के साथ रोमांस किया है बट हीरोइन के साथ मैंने अभी तक ऐसा नहीं किया था। बट फर्स्ट एक्सपीरियंस, तो अप्सरा को मैंने जब किस किया तो हम लोग बहुत स्माइल कर रहे थे बट यू नो एक अलग फीलिंग्स था, मतलब मैं बोल नहीं सकती, मतलब अनकंफर्टेबल भी था बट एज अ फ्रेंड कंफर्टेबल भी था। सो न्यू एक्सपीरियंस, अभी मैं बोल सकती हूँ कि गर्ल्स बहुत सॉफ्ट होता है बिकॉज आई थिंक बॉयज़ इतना सॉफ्ट नहीं होता है, तो मुझे ये पता चल गया कि बॉयज़ का किस और गर्ल्स का किस में बहुत फ़र्क होता है। चलो अब दूसरा सवाल जो मैं पूछने जा रहा हूँ वो मतलब वो है कि तुम हीरोज के साथ काम कर चुकी हो, रोमांस कर चुकी हो, सो अब रोमांस के तौर पे यानी किसिंग काफ़ी हद तक जाना चाहिए और इसमें किसिंग के तौर पे आप किसको ज़्यादा आगे रखोगे? मतलब 1 to 10 में यू हैव टू रेट किसिंग विद अ गर्ल और किसिंग विद अ हीरोइन और किसिंग विद अ हीरो। यहाँ दो हीरोइन हो एक साथ, यहाँ हीरो नहीं है। और एक सवाल है जो हीरो के साथ किसिंग करने में ज़्यादा मज़ा आता है या हीरोइन के साथ? ये बहुत टफ जॉब है एक्चुअली, टफ आंसर है एक्चुअली। हीरोइन के साथ अलग फीलिंग्स, हीरो के साथ अलग फीलिंग्स है बट मैं इसका आंसर नहीं दे सकती हूँ बिकॉज मेरा ऑल को एक्टर को एक्ट्रेस बहुत रोमांटिक है, बहुत अच्छा किसर है, तो मैं इसका आंसर नहीं दे सकती हूँ एक्चुअली। ट्रेलर में दिखाया जाता है कभी इधर से कभी इधर से कभी टांगों से, काफ़ी चारों तरफ से मुंह, होंठ, नाक, हाथ, पैर सब कुछ निकलते हैं, सो वो मतलब काफ़ी इजीली हो गया था या काफ़ी टेक्स पे टेक्स फिर उसके बाद थोड़े से कंफर्टेबल बने फिर वो टेक्स ली गई? मैं एज अ गर्ल मैं बता सकती हूँ कि बॉयज़ ज़्यादा रोमांस करता है लेकिन यहाँ पे लेस्बियन कैरेक्टर में मैंने रोमांस स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट किस कभी नहीं करना चाहिए, तो स्लोली स्लोली रोमांस को बिल्डअप करना चाहिए। तो मैंने भी एकदम या लेग से स्टार्ट करके, स्टमक से स्टार्ट करके फिर मैं एंड में गई हूँ, तो थोड़ा सा रोमांस बिल्डअप करने के लिए मैंने थोड़ा सा मसाला डाला है। अच्छा यहाँ पे आप पहले बताओ, जैसे राम गोपाल जी ने जैसे तुरंत बोला वैसे तुम तो तैयार नहीं हो गई जैसे तुम प्रेस कॉन में बता रही थी, ऐसा क्यों? मतलब कहीं पे दिमाग में कोई डर सा है कि क्या टाइप कास्ट हो जाने का, ऐसा कुछ है? एक्चुअली ऑनेस्टली बताओ तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग क्या बात करेंगे या डायरेक्टर क्या बात करेंगे, प्रोड्यूसर क्या बात करेंगे, तो प्रोडक्शन हाउस क्या बात करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ ऐसे टाइप सब्जेक्ट में मेरा थोड़ा सोच होता है बिकॉज कोई भी कैरेक्टर होता है तो मैं ओके बोल देती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि या परफॉर्म या चरित्रहीन में भी इनफैक्ट मैंने किसी से सजेशन नहीं लिया था और मैंने इतना सोचा भी नहीं था बट लेस्बियन में मैंने सोचा था बट सबने एक ही चीज़ बताया कि एज अ एक्टर आपको कोई भी सब्जेक्ट मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। आप अगर एक्टर के साथ रोमांस कर सकते हो तो एक्ट्रेस क्यों नहीं? आपको रोमांस ही करना है ना, परफॉर्म करना है, कुछ दिनों का शूटिंग है तो आप ऐसा परफॉर्म करोगे तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आप कितना एक्टिंग कर सकते हो, कितना परफॉर्मेंस कर सकते हो। सडनली मुझे भी अभी ऐसा फील हो रहा है कि एज अ एक्टर मैं एक्टर की जगह एक्ट्रेस को किस किया है,
और ये भी एक चैलेंजिंग कैरेक्टर था. अगर मैं नॉर्मल लव स्टोरी करती तो शायद ओके, मतलब किस सीन था हीरो के साथ रोमांस, बट ये एक चैलेंजिंग कैरेक्टर था. इसलिए आई मीन जितने सारे अभी प्रमोशन चल रहे हैं, आई मीन तेलुगु, चेन्नई, दिल्ली, एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं उन लोग का जो एक्साइटमेंट है तो वो मुझे दिख रहा है कि एक लड़की लड़की इंटीमेट सीन कर रहा है. बिकॉज शायद बहुत सारे ऐसे लेस्बियन आ चुका है, बट हम लोगों ने जो 2022 में जाके जो चैलेंज लिया है, मैंने और अप्सरा ने, तो मुझे लगता है कि ऑल बॉयज एंड गर्ल्स बहुत एंजॉय कर रहा है कि ऐसे एक्चुअली होता है. हीरोज को तो दमदार एकदम टक्कर दे दी है तुम लोगों ने. एक्चुअली मेरा शौक था कि काश मैं हीरो बनता, काश मैं फाइट करता, तो मुझे मौका मिला, मैंने मौका ही नहीं छोड़ा. बिकॉज मुझे मैंने चौका मार दिया तुमने. एग्जैक्टली, बिकॉज मैंने गर्ल्स को किस किया, मैंने फाइटिंग किया, मैं एज अ टॉम बॉय वाला फीलिंग्स आ रहा था, तो मैंने सोचा ये मौका बार बार नहीं आता, क्योंकि मुझे ऑलवेज गर्ल्स का कैरेक्टर आता है, तो ये मौका मैंने ले लिया. चलो आप बता दो थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में, और राम गोपाल जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आरजीबी सर के साथ मैंने स्टार्टिंग वंगावीटी से स्टार्ट किया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ जब भी मैं प्रोजेक्ट करती हूँ बहुत अलग अलग एक्सपीरियंस करती हूँ, क्योंकि वो सेट पे बहुत सीरियस रहता है. इनफैक्ट हम लोग का जो यूनिट होता है बहुत साइलेंट रहता है. इनफैक्ट उनको साउंड पसंद नहीं है, वो बहुत साइलेंट, बिकॉज वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है. और उनका 3 कैमरास होते, वो ऑलवेज आइस को कैप्चर करता है, क्लोजअप बहुत लगाते. उसके बाद उनको जो डायलॉग होता है ना, बहुत बिग डायलॉग होता है, एंड वो हर चीज़ ना ऑब्जर्व करता है. मीन्स डायलॉग डिलीवरी, बॉडी लैंग्वेज उनको पसंद है. और इनफैक्ट वो खुद भी आके, अगर उनको पसंद नहीं आया ना, तो वो खुद आके दिखाते कि मुझे ऐसा चाहिए स्टैंड ऐसा. तो कहीं ना कहीं मैं उनसे बहुत कुछ सीखती हूँ कि वो सेट पे बहुत सीरियस रहता है. और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ एक्ट्रेस ये एक डिसिप्लिन है. डिसिप्लिन डायरेक्टर के साथ काम करके डिसिप्लिन सीख सकते हैं, जैसे टाइम पे आना या डायलॉग आप रेडी करके जाओ. ऐसा नहीं कि आप ऑन द स्पॉट डायलॉग बोल नहीं पा रहे हो, आप एक ही टेक में कोशिश करो कि टाइम बच जाए, और एक ही टेक में आप परफेक्ट करने की कोशिश करो. एंड इनफैक्ट आप ऑलवेज कैरेक्टर में घुसे रखो. तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने उनसे सीखा है. थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू, एंड बेस्ट विशेज. और अपकमिंग जितने भी फिल्म आ रहे हैं आपके, सिटी बॉलीवुड के दर्शकों के लिए क्या कहना चाहोगी नैना? सिटी बॉलीवुड के बारे में ये मैं ही कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा चैनल है. इनफैक्ट मैंने इसके पहले भी इंटरव्यू दे चुकी हूँ, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी इनके इंटरव्यू होते हैं. कुछ हटके सवाल होते हैं और मैं भी थोड़ा सा डर जाती हूँ, बट इनके जो चैलेंजिंग सब्जेक्ट जो क्वेश्चन होता है, तो मैं भी रेडी होके आती हूँ कि इनके आंसर दे सकूँ, क्योंकि बहुत डेंजरस चैनल है और बहुत फेमस चैनल है. एंड सिटी चैनल ऑल पीपल टीम को मेरी तरफ से लव यू. थैंक यू. Thank you. To know the Bollywood latest updates, subscribe now City Bollywood YouTube channel.